एक आदमी जितना उधार लेता है उतना ही पैसे वाला होता है। हजारों कमाने वाला हजारों में उधार लेता है, लाखों कमाने वाला लाखों में लेता है। करोड़ों में कोई अगर उधार ले रहा है तो इसका मतलब पता नहीं बॉस। संता, एक कमरे में एक लड़की बिना कपड़ों में आ जाए तो तुम ये कहकर भागोगे कि तुमसे नहीं होगा? ट्राई करूंगा ना बॉस। तो यहां भी ट्राई करो ना संता, तुरंत क्यों कह रहे हो नहीं पता? करोड़ रुपए उधार मांगता है, मतलब करोड़ रुपए नहीं है। उन करोड़ों से वो मुनाफा कमाएगा, इसलिए करोड़ों उधार ले रहा है। यह भी हो सकता है 10 रुपए के लिए 1 रुपया छुट्टा है, 100 रुपए के लिए 10 रुपया छुट्टा है, 1,000 के लिए 100 छुट्टा है और लाखों के लिए 1,000 छुट्टा है। करोड़ों का उधार लेने वालों के लिए लाख भी छुट्टा ही है। इस घर में वो छुट्टा जरूर होगा, वो हमें ढूंढना है। The number you have called is currently busy. Please call again later. आज के दिन भी ये इंसान न जाने किस किस से बातें करने में लगा है। संता, इस घर में मोबाइल जैसा कुछ भी दिखे तो उसे चकनाचूर कर दो। संता, इसे क्यों तोड़ दिया? आप ही ने तो कहा था, मोबाइल जैसा कुछ दिखे तो चकनाचूर कर दो। एक्सक्यूज मी, मुझे सीनियर सिटीजंस के राइट चाहिए, मुझे अब बैठना है। ओए बुड्ढे, बुजुर्ग जैसा व्यवहार किया था क्या तूने? घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, तुझे नहीं पता तो किस बात की राइट चाहिए तुझे? वाइट, तुम बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या मांगा उन्होंने? अपने लिए एक मौका ही तो मांग रहे हैं वो। तो हम भी अपनी तरफ से एक मांग रखते हैं। तीनों गोलियों को सर्कल में फंसा दीजिए, फिर पूछने की जरूरत नहीं, खुद बैठ जाइएगा। ए नाना जी फंस गए, नाना जी फंस। तू क्यों खुश हो रहा है? इनके मारने से दर्द हो रहा है डैडी। गधा है ये गधा, चुपचाप बैठ नहीं सकता, बेवकूफों जैसी हरकत करके थप्पड़ खा रहा है, नालायक कहीं का निकम्मा। तुम सिर्फ मुझे ही क्यों मार रहे हो भैया? घर में मम्मी पापा मारते हैं, स्कूल में टीचर मारती है, और इस समय आप यहाँ मुझे मार रहे हो। चोरी करने आए हो तो चोरी करके जाओ ना। मुझे सब बेवकूफ यूजलेस कह के गालियां देते रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? सब मुझे मारते रहते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, जिसको देखो वो मुझको डांटता ही रहता है। अब भगवान ने मुझे बेवकूफ बनाया है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ भैया? मुझे क्यों मार रहे हो? अगर फिर से इस बच्चे पर हाथ उठाया ना तो काट डालूंगा तुम्हें। एक छोटे बच्चे को नालायक निकम्मा कहके मारोगे तो उस बच्चे का दिल कितना दुखी होता है पता है तुम्हें? कुबेर, रहने दो बॉस। ये लोग अपनी इज्जत के हिसाब से बच्चों के लिए सपना सोचकर रख लेते हैं, अगर हम इनके हिसाब से नहीं बन पाए तो गधा निकम्मा नालायक कहके गाली देते हैं। ना हम अपनी सोच के हिसाब से जी पाते हैं,
और ना इनकी इच्छा के मुताबिक बन पाते हैं, आखिर में निकम्मे बन के ही रह जाते हैं। बच्चों को उनके नाम से पुकारने के बजाय निकम्मा, बेवकूफ, नालायक ऐसे नामों से पुकारते हैं। तू चुप हो जा बेटा। बाथरूम जाना है। बाथरूम जाना तुम्हारी हॉबी है क्या? हम यहाँ चोरी करने आए हैं या तुम्हें बाथरूम करवाने? एक आदमी साथ रहेगा तो बाथरूम कैसे जाऊंगी? तो क्या तुम्हें अलग से रॉकेट में बैठा के चांद पे भिजवा दूं? संता, सॉरी, कुछ बातें मेरे कंट्रोल में नहीं है। दरवाजा बंद कर लिया है ना, अब अपने आप हो जाएगा। दरवाजा बंद कर लिया तो ये कैसे जाएगा? दरवाजा बंद करने के बाद ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक नंबर का गधा है, ये सब तुम लोगों के लिए आसान होता होगा। मैं एक अच्छे खानदान में पैदा हुई हूँ। हेलो, इतनी सी बात पे खानदान पे मत जाओ। तुम अच्छे खानदान की लड़की हो, लेकिन मुझे नहीं पता मैं किस खानदान का हूँ। सारा मेकअप उतर गया है। देखो, बेकार का टेंशन मत लो। चोरी करना जुर्म है, मानता हूं, लेकिन मारपीट उससे भी बड़ा जुर्म है। इसीलिए अब जिस तरह से मैं चुपचाप रहूंगा, उसी तरह कानून को हाथ में ना लेते हुए आप लोग भी चुपचाप बैठ जाओ। देखो, तुम लोग यहां बस पुलिस को मत बुलाना, प्लीज। धमकी भी कितने नजाकत से दे रहा है, देखा ना? हमें धोखा दे सकते हो, लेकिन पुलिस को धोखा नहीं दे सकते। देखो, मैं कह रहा हूं ना, पुलिस को मत बुलाना। मैंने कुछ भी नहीं चुराया। कुछ होगा तब तो चोरी करोगे ना। चुपचाप घुटने पे आ जा। बहुत देर से मैं चुपचाप बैठा हूँ, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन पैसे नहीं है। अब ये मत कहना पैसे नहीं है, मुझे यकीन नहीं होगा। चुपचाप बता दो पैसे कहाँ हैं। इस घर में पैसे गहने कुछ भी नहीं है बॉस। ओए, चोर के सामने असलियत कौन बताता है? बताओ। चुपचाप बताओ पैसे कहाँ हैं, वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। अरे क्या बताऊं तुम्हें, होता तब तो देता ना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो हमें। पापा, क्यों इन बेकार लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? ए, मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस तुम पांचों को पकड़ लेगी। ए लकी नंबर वाली, दोबारा पांच कहा ना तो मार दूंगा। अरे तुम पांच लोग हो तो पांच नहीं तो क्या, तुम लोगों को चार गिना जाएगा। बोलो, कौन है पांच लोग? तुम ही लोग तो हो। एक, दो, तीन, चार, पांच। ये तो तुम्हारा आदमी है, कौन है रे तू? मैं चोर हूँ बॉस। ए, झूठ मत बोल, तू हमारा बंदा नहीं है। मैं अलग डिपार्टमेंट का हूँ बॉस, पैसे की चोरी करने नहीं आया। तो फिर क्या चोरी करने आया था? सीडी चोरी करने आया था बॉस। तो हम क्या डीवीडी चोरी करने आए हैं? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, धंधा इसलिए गहने पैसे चुराता हूँ, ये सच है। लेकिन मेरे यहाँ आने का पर्पस एक सीडी है। मैं सहकर्मियों से झूठ नहीं बोलता, धंधे का उसूल। वाकई इस घर में कुछ भी नहीं है बॉस।
अब और क्या रह गया, हम लोग तो नए चोर हैं, पर ये तो खानदानी चोर लगता है। जब इसे ही कुछ नहीं मिला तो अब हमारा यहाँ रुकना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ से निकलते हैं बॉस। बॉस, ये पैसे गहने सुखी लोगों के लिए है, हमारी किस्मत में नहीं लिखे हैं बॉस। हमारी किस्मत में जो है, चलो उसे ही ढूंढते हैं। सही बात है बॉस, हर उछलने वाली लोमड़ी को अगर अंगूर मिलने लगे तो सभी लोमड़ियाँ उछलना शुरू कर देंगी बॉस। मैं भी जानता हूँ हर उछलने वाली लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं अंगूर मिलने से ही खुश नहीं होता। इस बात से खुशी होगी कि हमने अपनी हिम्मत से ज़्यादा कोशिश की। किसी और के लिखे कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा ज़िंदगी जीने वाला मैं नहीं हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है और इसे मैं लिख रहा हूँ। कल मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ मुझे नहीं पता, पर आज जी रहा हूँ। आज यहाँ चोरी करने आया हूँ, सही या गलत, लेकिन आया हूँ। वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ। घुमा फिरा कर कहने की जगह सीधा कहता हूँ, लॉटरी में पैसे लगाने वाले लोग दिवालियाँ होते हैं, लॉटरी कंपनी का मालिक कभी दिवालिया नहीं होता। हम यहाँ पैसे चुराने आए हैं, पैसे चुरा कर जाएंगे। फोन लाउडस्पीकर पर डालो। हेलो। हेलो पार्टनर, तुम्हारा दूसरा मोबाइल नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? मेरा वो फोन डेड हो गया है यार। इतने दुखी क्यों हो? कोई रिश्तेदार थोड़ी डेड हो गया है। अच्छा आप जाने दो, वो सब बात छोड़ो। पैसे को हमने दोनों के नाम पर अलग अलग अकाउंट ओपन करके दुबई के बैंक में जमा कर दिया है। हम दोनों के नाम पर रेजिडेंस वीजा भी ओके हो गया है। थोड़ा डिले होने की वजह से 3 बजे की फ्लाइट कैंसिल करके मिडनाइट फ्लाइट में टिकट बुक कर लिया है। एयर टिकट और वीजा लेकर शाम को मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एयरपोर्ट आकर। नहीं पार्टनर, जाने से पहले तुम्हारे कुछ तो खर्चे होंगे, ये सोचकर 2 लाख रुपए इंडियन करेंसी मैंने निकाल ली है। नहीं चाहिए। अगर किसी को देने होंगे या कुछ खरीदना होगा तो पैसे काम आ जाएंगे ना। और बताओ पार्टनर, दुबई में हमसे धोखा खाने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं क्यों? बाय। अब सबका क्या फैसला है दोस्तों? पैसे आने से पहले इस जगह को छोड़ने के अलावा और कोई भी फैसला कर सकते हैं बॉस। चोर कहीं का, देखो कैसे मुंह बंद करके चुपचाप बैठा हुआ है। क्यों बे, तू दुबई जाके धोखाधड़ी का काम करने वाला है ना? अगर हमसे 2 लाख का धोखा खा जाएगा तो घिस जाएगा क्या? तुझे तो न... ओ बाप रे, सलीम भाई, मैं यहाँ बहुत देर से चिल्लाता खड़ा हूँ और आप है कि मेरी शक्ल को ताकता भी नहीं है। ओए, साफ हिंदी बोला कर मैंने कितनी बार कहा, बेअकल। भाई ने जब मेरी यहाँ पोस्टिंग की तो मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने हिंदी सीखी। जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ की पब्लिक में एक बात बहुत अच्छी है, हाँ, भाषा प्रेम, जो मुझे भी बहुत पसंद है। अब देखो ना, अपने देश में अपनी मातृभाषा छोड़कर लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि लोग अब भी अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। गूगल करके देखा मैंने, बहुत एंशियंट लैंग्वेज है। हिंदी बोलने पर हमें गर्व होना चाहिए। उससे पैसे लेकर सिक्स मार रहा है, गोली मार दो इसको। हाँ, क्या बोल रहा था? अबे गधे कहीं के, तुम यहाँ से पैसा कमा रहे हो, यहाँ का नमक खा रहे हो, तो यहाँ की भाषा नहीं बोल सकते? माफ कर दो भाई, ये भाषा पर बात करने का समय नहीं है, बिजनेस करने का समय है। मैंने आपको पैसे दिए, आप मेरा पैसा मुझे वापस दिलवाओ। उसने मुझे लोगों से पिटवाया, उसकी चिंता नहीं मुझे, दाऊद भाई के लोगों को भी पीट दिया। और इस बात को समझे बिना आप यहाँ क्रिकेट देख रहे हैं। ब्रेन, अच्छा मैं रखता हूँ। यहाँ मेरा नाम ब्रेन क्यों है पता है? भाई मन में जो सोचते हैं वो मेरे दिमाग में आ जाता है, इसलिए। वहाँ कोर्ट में जो आदमी खड़ा है पता है कौन है? मुंबई का बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है वो। मुंबई का बिजनेस मैग्नेट यहाँ आकर एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? एक कॉन्ट्रैक्ट डील लेकर वो सलीम भाई के पास आया था।
थोड़ा गुस्से में बात की उसने तो उसकी सजा मिली है। ये सजा है? हाँ। वो तो यहाँ मजे से बॉल खेल रहा है। 2 दिन से खेल रहा है, अगर बॉल नीचे गिरी ना तो उसके पास जो आदमी बैठा है वो उसे गोली मार देगा। और कब तक वो इस तरह से बॉल उछालता रहेगा? उछालते ही रहना है। उछालते रहना मतलब? उछालते रहना मतलब उछालते ही रहना है जब तक बॉल गिर ना जाए। फिर उसके बाद? वो उसे गोली मार देगा। चाहे जो भी हो बॉल तो गिरी जाएगी, तो फिर ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उम्मीद, उसे उम्मीद है कि भाई का मन शायद बदल जाएगा। तुम्हें भी बोल रहा हूँ उम्मीद मत छोड़ो, कल हम जिंदा रहेंगे इसी उम्मीद पर तो पैसा बचा रहे हैं ना हम। भाई से बेवकूफों की तरह बात मत करो, उम्मीद रखो। अब मैच देखो, भाई ने बड़ा अमाउंट देकर मैच फिक्स किया हुआ है। एक राज की बात बताता हूँ, तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक और विकेट चला गया, मेरे दुश्मन का विकेट लिया, कोई बात नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? जो काम हमें करना था वो किसी और ने कर डाला। जाओ उस गद्दार को मार दो। किसी और ने नहीं भाई, अपने ही आदमी ने मारा है। आपने ही तो थोड़ी देर पहले उसे मारने को कहा। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तुमने सच में मार डाला उसको? पागल कहीं का। बट आई लाइक योर वर्क मैन, अच्छा काम करते हो तुम। अगर तुम लोग घर छोड़कर भाग रहे हो तो खाने पीने की चीजें भी छुपा कर जाओगे। खाने को कुछ है तो लाओ। अब यहाँ बस डॉग फीड है। हाँ तो एक प्लेट दो मुझे। डॉग फीड मतलब कुत्ते का खाना। चलो हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं। वो मीठा होगा या तीखा? जाने दो, मैं ही ऑर्डर करती हूँ। लाओ मोबाइल दो। हेलो, या आई वुड लाइक टू ऑर्डर 2 चीज़ पिज़्ज़ास, 2 चिकन पिज़्ज़ास एंड 2 कप्स ऑफ नूडल्स विथ चॉपस्टिक्स एंड ऑल ऑफ देम इन बिग साइज, स्पाइसी और रेगुलर। सर ने सड़क के किनारे भजिया पाव के अलावा लगता है कुछ खाया ही नहीं। वैसे मैं हमेशा पिज्जा या बर्गर ही ज्यादा खाता हूँ। कौन है यहाँ पे क्लास लीडर? बात करने वालों के नाम बोर्ड पर लिखो। बदतमीज। मैं हूँ सर। गधा कहीं का? हाँ मैं हूँ सर। हाँ मैं ही हूँ। गालियाँ सुनकर भी शर्म नहीं आती, बेशरम। मेरा नाम संताराम है, मेरी लड़कियों से नहीं बनती, पता नहीं क्यों। सच कहूं तो मुझे कुछ पता नहीं है, पढ़ना नहीं पता, लिखना नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है, बस थोड़ा सुंदर कम है, पता नहीं क्यों। ता।
Da-d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 a